श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमारी है, कोरोना जैसी महामारी में भी अगर कोई वेंटिलेटर पर भी पड़ा हुआ है, बहुत रोगी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, पांच बेलपत्र दोनों में डाल लो और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर गोत्र बोलकर, तुम रुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, प्रदोष काल में तीन बार दिन भर में चढ़ाओ, तीन दिन के अंदर उसको अंतर आना चालू हो जाएगा। तीन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आज का जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह उपाय आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। आप सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा उपाय करते हैं जो गुरु जी बताते हैं। आज मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि अगर आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा को गुरु मानते हैं तो अपने गुरु के लिए आज का यह उपाय जरूर करें, ताकि गुरु जी जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच कथा करने के लिए आ सकें। आपको दिन में तीन बार यह उपाय करना है। मंदिर नहीं भी जा सकते तो अपने घर के शिवलिंग के ऊपर आप यह उपाय कर सकते हैं। एक हाथ में थोड़ा सा दूध और दूसरे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और साथ में पांच बेलपत्री के पत्ते लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा का नाम लेकर भगवान शिव को कुंभरुका जी के नाम से समर्पित करना है। दिन में तीन बार यह उपाय जरूर करें। आप में से जो भी यह उपाय गुरु जी के लिए करे, वह कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, ताकि पता चल सके कि हम गुरु जी को कितना चाहते हैं। एक बार फिर कहूँगा, वीडियो को लाइक करें या ना करें, पर गुरु जी के लिए यह उपाय आप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।